15वां वित्त आयोग की राशि 2,11,329 रुपए की राशि से सोनन थाना क्षेत्र के खुरमाबाद गांव सार्वजनिक चबूतरा का जिला पार्षद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के द्वारा उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि जिला पार्षद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के द्वारा भभुआ थाना क्षेत्र के कई गांवों में प्रतिदिन निरीक्षण किया जा रहा है। इससे पहले भी कई गांवों में जाकर लोगों की समस्या सुनकर उनके द्वारा गांव की समस्या का समाधान भी किया गया। उनके द्वारा कई गांवों में PCC ढलाई, सड़क निर्माण एवं पुलिया का भी काम कराया गया है। वहीं आज खुरमाबाद सार्वजनिक चबूतरा का निर्माण कराया गया, जहां आज जिला पार्षद सदस्य विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के द्वारा उद्घाटन किया गया है। वहां के लोगों ने जिला पार्षद सदस्य को माला से स्वागत करते हुए उनको धन्यवाद दिया। इस संबंध में विकास सिंह ने बताया कि अपने मद से चबूतरा का निर्माण कराया, जो चुनाव से पहले वादा किया गया था कि सार्वजनिक चबूतरा का निर्माण मेरे द्वारा कराया जाएगा, ताकि यहां के लोगों को सामाजिक बैठक, शादी विवाह एवं अतिथि को बैठने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में चबूतरा बन जाने से यहां के लोग कई आवश्यक कार्य में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही चबूतरा बन जाने से गाँव के छात्र छात्राएं चबूतरा पर एक समूह बनकर क्विज प्रतियोगिता कर पढ़ाई कर सकते हैं और भभुआ थाना क्षेत्र के कई गांवों में विकास करने को लेकर मेरे द्वारा आगे प्रयास जारी रहेगा। यहां कार्य किया जा रहा है। देखिए, मैं अभी जागे बराव पंचायत में, भभुआ प्रखंड स्थित जागे बराव पंचायत के खुरमाबाद गांव में अभी मैं मौजूद हूँ। अभी मैंने यहाँ एक चबूतरे का उद्घाटन किया है और मैं बता सकता हूँ कि जिला परिषद की 15वां वित्त से ये बना हुआ है 2,11,000 रुपये की राशि से, जो सरकार का 15वां वित्त का पैसा है, जो हमारे निधि से बना हुआ है। और यहाँ जो जागे बराम पंचायत का खुरमाबाद गांव है, ये बहुत ही पिछड़ा और बहुत ही गरीब का गांव है और यहाँ SC में दो जाति के लोग आते हैं, एक चमार एक पासवान, दो ही की ये बस्ती है। देख सकते हैं कि बस्ती किस हाल में है, न सड़क है, न लाइट है, न पानी का बेहतर व्यवस्था है। ऐसे में सरकार की जो राशि आ रही है हम लोग को जिला परिषद में, मैं चाहता हूँ, मेरा ये सोच है कि ये जो भी समाज में जो भी पिछड़े लोग हैं, गरीब शोषित वंचित हैं, उनके बीच में जाए। और मैंने चबूतरे का निर्माण कर दिया। इन लोगों का घर देख लीजिए, इन लोगों के घर में अगर 10-20 लोग चाहें तो बैठ नहीं सकते हैं, इतने गरीब हैं। यहाँ मिट्टी का घर है, मिट्टी के घर में रहते हैं, छोटा छोटा घर बना के। ऐसे में मैं चबूतरा का यहाँ निर्माण करा दिया, इनके यहाँ कोई भी अगर मेहमान हितगण रिश्तेदार आएँ तो उनका मान सम्मान करें। बड़े 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 धनकुबेरों के यहाँ बड़ा बड़ा बंगला, बड़ा बड़ा बैठका रहता है और बड़ा बड़ा होटल में और शादी विवाह का आयोजन होता है, लेकिन ऐसे में गरीबों के लिए मैं एक ऐसा चबूतरे का निर्माण कर दिया जिससे पूरा गांव खुश है। अब गांव में महिलाओं को समूह चलाना हुआ और समूह का मीटिंग करना हुआ तो यहां बैठ सकते हैं। कोई अगर गांव के विकास को लेकर या गांव में कोई पंचायत हो तो यहां कर सकते हैं। तो गरीब शोषित वंचितों के लिए हमेशा ही आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं और गरीबों की लड़ाई शुरू से लड़ते हैं और लड़ेंगे। आज ये चबूतरे का निर्माण करके, और सच कहिए तो अंदर से दिल को बहुत सुकून मिल रहा है कि मेरे जिला परिषद निधि से मैंने ये चबूतरे का निर्माण कराया। क्या नाम पड़ेगा? मैं विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल, जिला पार्षद भभुआ। सारा बना हुआ है, इससे क्या लाभ है आप लोगों को? हम लोग का तो लाभ है कि यहाँ कोई हित गना है तो बैठेगा, या कोई प्रयोजन होगा तो यहाँ कुछ व्यवस्था किया जाएगा, या कोई के हित गनाएल तो पहले बैठा दीजिए, एक बाद अपने घर द्वार ले जाइए, चाहे फंक्शन कौन भइल तो पर करावल जाए। अच्छा, मैं हमने के तो गांव में कुछ भइले नहीं खे आज तक, यहीं के गो करेले बन लल्लू पटेल जी। हाँ, पहल का बार हमने की है बा, और दूसरा बात क्या बा? अच्छा, क्या नाम पड़ेगा? रहू हमारा सुरेंद्र, हम नाम पड़ेला, घर खुरमाबाद। आपके यहाँ चौथरे का निर्माण हुआ है जी, तो इससे आपको कितना मतलब लाभ हो सकता है? इससे देखिए, आज तक जो कुछ भी हुआ इन्हीं का देन है कि चबूतरा भी खुरमाबाद में बन गया। न तो आज तक कोई भी ऐसा जिला परिषद कहिए या विधायक कहिए, कोई भी यहाँ तक एगो सिक्का भी नहीं गिराया है। अगर सिक्का भी गिराया होगा तो हम उसका जवाब दे हैं, एक सिक्का भी नहीं गिराया है। इन्हीं के देन है कि यह चबूतरा का निर्माण हुआ है, इससे कि हम लोग को रिश्तेदार दो चार आदमी अगर आ जाए तो उन लोग को बैठने का व्यवस्था यही है। ये चरमोहान है, यहाँ डियरमा से भी लोग आते हैं, जागे बराव से भी लोग आते हैं, कुकुरी तरहनी कुकुरी आई कुरौंदी वहीं, ये सब से मेन रोड के जरी है चरमोहान, और उधर से लोग आते हैं तो यहाँ धूप में अगर छाया लेना है तो यहीं बैठते हैं, और गाड़ी आता है तो गाड़ी पकड़ते हैं।
पहला सुविधा यह है। और हमारे गांव में कोई भी अगर फंक्शन करना हो तो इतना हाइट में इतना चौकी चौका कुल व्यवस्था करना पड़ता था, उससे बेहतर है कि रविदास पूजा हुआ या कोई भी हुआ तो हम लोग यहाँ पर कोई फंक्शन कर सकते हैं, मतलब डांस वंस चाहे जो कुछ भी है यहाँ पर हम लोग करा सकते हैं, या मूर्ति रख करके किसी भी चीज़ का हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। दो चार दस आदमी अगर आए भी तो यहाँ पर अपना बेडशीट वेडशीट डाल दिए, खटिया वटा निकाल दिया, अपना आदमी यहाँ पर बैठेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम पड़ेगा मुन्ना पासवान खुरमा। कैमो न्यूज के लिए भभुआ से रवि जडेजा की रिपोर्ट। इस खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और कैमूर जिले की तमाम खबरें सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से कैमूर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।